रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन बचाई। 22 जनवरी 2024 इस दिन का हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राम जन्मभूमि, राम मंदिर की प्रतिष्ठापना, रामलला की प्रतिष्ठापना, इसका इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम इतिहास में जाए, हम बात करें 1990-1992 की, तो इस मंदिर के लिए एक लड़ाई हुई थी, कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जिसने पूरे देश को झकझोर किया था। नागपुर से भी कुछ लोग वहां पर गए थे। मैं रत्नाकर मुरली आपका स्वागत करता हूँ बीसीएम विकास मुलाकात में। आज की स्टूडियो मेरे साथ में सुबोध आचार्य जी, जिनका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, साथ में श्याम चांदेकर जी। आप दोनों 1990 और 1992 में जो कार सेवा हुई थी उसमें सम्मिलित थे। सुबोध, आप जब वहां गए थे 1990 में, जो आप गए थे, तो आप बताइए कि आप क्या सोचकर वहां पे गए थे, क्या मंशा लेकर आप गए थे, कैसा आपका अनुभव था वहां पर? 1990 में जिस समय हम नागपुर से निकले थे, तब 26 अक्टूबर 1990 में निकले थे जी। तब मेरी आयु केवल 16 वर्ष की थी, मैं 10वीं में था। आप पूरी तरह से तो मेजर भी नहीं थे। मेजर भी नहीं थे, पर एक राम जन्मभूमि के प्रति एक आस्था थी जी। बचपन से घर के संस्कार थे जी। तो रहा नहीं गया, घर के पिताजी से परवानगी लेकर संघ स्वयंसेवकों के साथ में निकला था जी। 2 तारीख को हम सवेरे वहां पहुंचे थे अयोध्या में, पैदल पैदल गए थे। लगभग 200 किलोमीटर का प्रवास हमने पैदल कर वहां पहुंचे थे। 2 तारीख को ही वहां पर पहला धावा था दोपहर को, जो 11:30 बजे प्रारंभ हुआ था। उसमें सबसे पहले बंगाल प्रांत था, बिहार था, उत्तर प्रदेश था, उसके बाद में 6वें नंबर पर विदर्भ प्रांत था। मतलब एक डिसिप्लिन बेसिस की सारी डिसिप्लिन व्यवस्थित के साथ ही सारी साधु संतों के मार्गदर्शन पर चल रही थी। परम पूजनीय अशोक जी, माननीय विनय जी कटियार, साध्वी रुतम्बरा जी, माननीय उमा भारती जी, ऐसे सारे जन वहां पर उपस्थित थे। आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज भी थे, और सूचना और निर्देश के आधार पर हम हनुमानगढ़ी से चल रहे थे। उस समय फिर 11:30-12:15 बजे पुलिस का अमानुष अत्याचार हुआ, और उस अत्याचार में ही कोठारी बंधु शहीद हुए। और उसी समय जिन महिलाओं के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाठीचार्ज और करा था, सैकड़ों महिलाएं सरयू नदी में कूद पड़ी थी, और उसके बाद हनुमानगढ़ी पूरी खून से भरी हुई थी। हनुमानगढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं थी, अभी नया विकास के कारण बड़ी दिख रही है। उस समय लगभग एक संकीर्ण गली जिसे हम कहते हैं, एक 10-12 फीट की गली थी, उसमें सारा मॉब था, और उसमें सारा लाठीचार्ज होकर हजारों कार्यसेवक उस समय शहीद हुए थे। यानी मैं मेरे जीवन में उसी समय देखा था कि सरयू नदी पर हजारों लाशें कार्यसेवक जला रहे थे, कार्यसेवकों की लाशें जल रही थी, पर राम भक्त हताश और निराश नहीं हुआ था, क्योंकि राम जन्मभूमि का आंदोलन हिंदू समाज के प्रतीक का, स्वाभिमान का प्रश्न था। और सारे लोग वहां से कार्यसेवा समाप्त हुई। 9 नवंबर को फिर रामलला के दर्शन प्रारंभ हुए। 13 तारीख को हमने 1990 में 13 नवंबर को दर्शन कर हम 16-17 तारीख को नागपुर वापस आए थे। पर मंशा केवल एक ही थी कि 450 वर्ष पुराना कलंक कैसे मिटाया जाए, हिंदू समाज पर लगा हुआ कलंक कैसे मिटाया जाए। कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा था जी। सब जन खंधे से खंधा मिलाकर जा रहे थे, क्योंकि सबके मन में एक मंशा थी कि मेरे मस्तक पर लगा हुआ, हिंदू समाज के मस्तक पर लगा हुआ कलंक कैसे मिटाया जाए। और वही मंशा लेकर सारा हिंदू समाज एकत्रित होकर, छोटा बड़ा गुजरू, सब महिलाएं पुरुष एकत्रित होकर वहां जा रहे थे। और वह दिन ऐसा था कि हमारे दिनों में आपने देखा होगा कि 1990 के बाद की घटना जब 6 दिसंबर 1992 को घटी जी, तो उस समय हिंदू समाज का एक पुरुषार्थ जागा हुआ था। हमारे यहाँ पहले ब्रिटिश पेपरों में छपकर आता था कि प्रियंका गांधी प्रेग्नेंट है, तो प्रियंका गांधी प्रेग्नेंट ये कोई बातमी नहीं हो सकती देश के न्यूज पेपरों की, ऐसा है। तो उसके बाद में ब्रिटिश पेपरों ने लिखना प्रारंभ किया कि हिंदू समाज जागकर उठकर खड़ा हुआ, इनका पुरुषार्थ जागा हुआ, हिंदू ये 450 वर्ष पुराना कलंक मिटाना माने हिंदू समाज का पुरुषार्थ जागा होना था। धर्म की भावना के आगे ये धर्म हिंदू धर्मियों के लिए आत्मसम्मान का भी एक जो है एक सही बात है। आत्मसम्मान था ही, हमारे ऊपर आत्मसम्मान इसलिए रहना चाहिए था कि आप देखो उसके बाद में केवल मंदिर बनाना, आज भी हम प्राण प्रतिष्ठा प्रभु रामचंद्र जी की अयोध्या में कर रहे हैं, तो केवल मंदिर बांधना यह हमारा संकल्प नहीं है। हमारा संकल्प है कि हिंदू समाज ने पुरुषार्थ जगाकर जागकर उठकर खड़ा होना, और केवल एक ही परिवार के पीछे आज तक के स्वतंत्रता के बाद हिंदू समाज एकत्रित जा रहा था, वो मानसिकता से हिंदू समाज बाहर निकला, और उसकी परिणति आज हमको समाज में देखने को मिल रही है कि गत 9 साल में उन्होंने अपनी विचारधारा वाली सरकार चुनी, और जो हिंदू समाज को अपेक्षित है वो आज इस देश में पुरुषार्थ के रूप में आज सारा समाज कर रहा है। यही प्रभु रामचंद्र जी की
प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से हम सब समाज को एकत्रित करना चाहते हैं, देश को विकसित करना चाहते हैं और प्रभु हम उस दिशा में देश को लेकर जा रहे हैं, देश को लेकर जा रहे हैं। जी आप 1992 की जो कार सेवा हुई थी, जो जो एक हम कहेंगे कि एक संघर्ष हुआ था, आपका अनुभव कैसा रहा? हमें यहाँ से नागपुर से 51 लोग 30 नवंबर को नागपुर से हम निकले थे राम जी के कार्य के लिए जी। हम वहां पर 2 दिसंबर को हम पहुंच गए थे जी। और 6 तारीख को जब बाबरी ढांचा का उध्वंस तो ये हुआ था जी, जी। उस वक्त में हम वहीं पे थे। वहां पे मंच पर धर्मेंद्र जी महाराज का आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज नारा लगा रहे थे, एक धक्का और दो बाबरी ढांचा तोड़ दो जी। उधर में बाबरी ढांचा का विध्वंस चालू था, जो कलंक हिंदू समाज पे लगा हुआ था वो कलंक का उस दिन धोया गया 6 दिसंबर को। एक अच्छा अनुभव था कि एक पूरा हिंदू समाज का वातावरण वहां अयोध्या में हुआ था। 90 की जो कार सेवा हुई थी जिसमें लोगों ने अपना बलिदान दिया था, वो बलिदान का उस दिन कुछ तो भी सार्थक 6 दिसंबर को हुआ था। और इस देश पे लगा हुआ हिंदू समाज पे लगा हुआ कलंक उस दिन धोया गया था, इसका सबसे बड़ा आनंद उस दिन हमको 6 दिसंबर को हुआ था। तो आप जब उस लड़ाई में शामिल थे, आपने जब वहां पर गए, तो अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उस घटना से आज हमको विजय प्राप्त हुई है? हाँ, हम सही दिशा में जा रहे हैं अभी। बिल्कुल, जो मंदिर की अभी 22 तारीख को जो रामलीला की प्रतिष्ठापना है जी। वो राम जी की प्रतिष्ठापना तो है ही, पर जो कलंक ये हिंदू समाज पे लगा हुआ था कि ये हिंदू समाज कुछ नहीं कर सकता है, इसके ऊपर कितना भी अत्याचार किया तो ये सहन करने वाला समाज है, जो एक कलंक ये समाज पे था वो कलंक तोड़ के दूर करके जो राम जी की आज प्रतिष्ठापना हुई है, तो हिंदू समाज भी अपना कलंक धो सकता है, ये लोगों पूरे विश्व को दिखाने का ये ट्रिगर जो है समाज, हाँ, समाज वो एक मंदिर स्थापना जो हो रही है उसका एक ट्रिगर है। सुबह 22 जनवरी ये दिन आपके लिए क्या महत्व रखता है? 22 जनवरी ये दिन 2024 का 22 जनवरी है जो दिन है प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, ये सुवर्ण अक्षरों से लिख कर रखने वाला क्षण है और आने वाली पीढ़ियां इस दिन को याद करेगी, आने वाली पीढ़ियां इससे प्रेरणा लेगी, आने वाली पीढ़ियां इससे सामाजिक समरसता का विषय लेकर समाज में जाएगी। प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर के निर्माण की संकल्पना यही है कि जाति पंथ भेद भाव वर्ण भुलाकर समस्त हिंदू समाज एक आकर एक छत्र छाया के नीचे, जैसे राम राज्य चल रहा था उसी परिभाषा में यह राम राज्य के रूप में यह हिंदुस्तान चले, कहीं जाति पंथ के भेदभाव के झगड़े ना हो, कहीं जाति का विषय ना हो, यह विषय लेकर ही हम सब सारे लोग चल रहे हैं। आप नागपुर के बीजेपी के समन्वयक भी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर में है, तो आपकी 22 तारीख तक की जो जिम्मेदारियां जो है या क्या तैयारियां वहां पर हो रही है और आपने किस तरह से तैयारी की नागपुर की? मैं नागपुर शहर के तौर पर बता रहा हूँ कि नागपुर शहर में मैं भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का विस्तारक हूँ। उसके पूर्व 1990 से लेकर तो 2010 तक के मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का विदर्भ का संयोजक रह चुका हूँ। लगभग 6,500 गांव में बजरंग दल की स्थापना हमने करवाई थी। अभी भारतीय जनता पार्टी कर यदि हम विचार करें तो भारतीय जनता पार्टी कर नागपुर शहर में 6 बड़े मंडल है, 6 बड़े मंडलों में भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यक्रम होने वाले है और हर जगह हिंदू समाज एकत्रित आने वाला है। अभी जैसे संतों परम पूजी ने संतों ने कहा कि 1 तारीख से 15 तारीख तक के अयोध्या की अक्षता वितरित करनी है, तो हर कार्यकर्ता बूथ स्तर का सारे स्वयंसेवकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता और समूचे हिंदू समाज को एकत्रित कर हम लोग घर घर जा रहे हैं, अक्षता दे रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि 22 तारीख को दोपहर को 12 बजे अपने नजदीक के मठ मंदिर में आकर आप पूजन करिए, महाआरती करिए, प्रसाद करिए और अपने घर में 18 से लेकर 22 तक के, नहीं जमा तो 21 और 22 तारीख तक के अपने घर में दीप उत्सव करिए, दीप जलाइए जैसे दीपावली रहती है, दिवाली बनाइए और दिवाली बनाकर ये राम उत्सव अच्छे तरीके से प्रारंभ कीजिए और हर जगह नगर शाह, मंडल शाह, बूथ शाह, हर जगह मठ मंदिरों में कार्यक्रम है, अयोध्या ही आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मेरी नगरी नागपुर में अयोध्या साकार करने दर्शकों को बताना, मेरी बस्ती मेरी अयोध्या, बिल्कुल मेरा मंदिर राम मंदिर, ये भूमिका लेकर हम चल रहे हैं। सुबोध जी जो बता रहे थे, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, अक्षित वितरण का महत्व ये होता है कि हमें न्योता आता है और उस न्योते में शामिल होने के लिए हमें अक्षित जो है दी जाती है, तो ये कार्यकर्ता जो है अक्षित लेके घर पर जाने वाले ताकि सभी इस समारोह में इस
प्राण प्रतिष्ठा समारोह में यहीं से सम्मिलित हो सके, क्योंकि इतने सारे लोगों को तो सारे को लेकर जाना शक्य नहीं, संभव नहीं है। दर्शकों को आप चलते चलते क्या बताना चाहेंगे, बारी बारी से आप भी बताएंगे और शाम जी भी बताएंगे। मैं दर्शकों को केवल इतनी विनती करना चाहता हूँ कि 500 साल पुराना कलंक हिंदू समाज का मिट गया है, नया राम राज्य इस पृथ्वी पर फिर से प्रभु रामचंद्र जी के भव्य मंदिर के निर्माण की संकल्पना होने जा रही है। लोग हमको कहते थे, समाजवादी विचारधारा हमको कहती थी, मंदिर बनवाएंगे कब, तारीख नहीं बतलाने वाले, अब तारीख आ गई है, 24 तारीख को प्रभु रामचंद्र जी की भव्य मंदिर की स्थापना होने वाली है। सारा समूचे हिंदू समाज जाति पंथ भेदभाव वर्ण भुलाकर अपने नजदीक के मंदिर में 24 को एकत्रित आइए, अपना 22 तारीख को दोपहर को 12 बजे मठ मंदिर में पूजा कीजिए, आरती कीजिए और एक दीप उत्सव बनाकर, दिवाली जैसा एक वातावरण बनाकर, प्रभु रामचंद्र जी के राम नाम का गुण गाकर इस मातृभूमि को सक्षम बनाने में और इस भारत को सक्षम बनाने में हम सभी बंधु जुटे, यही सभी को प्रार्थना। जय श्री राम। श्याम जी आप क्या बताना चाहेंगे? हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इस अद्भुत जो कार्यक्रम अपने पूरे देश में हो रहा है, राम मंदिर की स्थापना हो रही है, ये अद्भुत योग हमें देखने को मिल रहा है, इसके जैसा बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। मुझे इस सब दर्शकों से यही विनंती है कि हम अयोध्या में तो जा नहीं सकते 22 तारीख को, क्योंकि कुछ विशेष लोगों को वहां बुलाया गया है, उनकी व्यवस्था के कारण हम जा नहीं सकते, पर दर्शकों से विनती है कि हमारे बाजू के मंदिरों में जो कार्यक्रम होने वाला है 11 से 1 बजे तक, हम वो कार्यक्रम में सम्मिलित हो और वहां हम ये सिद्ध कर दे कि हम भी राम भक्त हैं और हमें भी आनंद हो रहा है कि अयोध्या में राम की प्रतिष्ठापना हो रही है। उस दिन हमने हमारे घर में दीपोत्सव मनाना है, दिए जलाना है, रंगोली निकालना है, मिठाइयां बांटना है, ये सब कार्यक्रम आप लोगों ने कर हम भी हिंदू है और हम भी राम भक्त है, ये इस देश से एक अच्छा बड़ा मैसेज जाना चाहिए, ऐसी विनती मैं इस कार्यक्रम में दर्शकों को करता हूँ। जय श्री राम। बहुत खूबसूरत बात आपने कही है श्याम जी और सुबोध जी, आपने राम जब वनवास से वापस आते हैं, रावण का वध करते हैं, मतलब एक बुराई पर अच्छाई का विजय लेकर, उस वक्त एक दिवाली मनाई गई थी। दिवाली हम हर साल मनाते हैं, लेकिन इस साल जो दिवाली है 2024 की थोड़ी सी पहले आ गई, थोड़ी सी पहले क्या, साल की शुरुआत में है। इस दिवाली को बड़े धूमधाम से मनाना है, श्री राम जन्मभूमि में हमें एक बड़ा इतिहास रचने जा रहा है भारतवर्ष। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।